नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ साथ इंडिया में निकलने वाली हर एक वैकेंसी अपडेट और योजनाओं की जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जिसकी आपको बहुत दिनों से इंतजार था। पंचायती राज विभाग में दोस्तों ये भर्ती निकली है, पंचायती राज विभाग में भर्ती निकली है। तो कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, कौन कौन आवेदन इसमें कर सकता है, सभी जानकारी देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को फॉलो नहीं किया तो वेबसाइट पर हम आपको सारी भर्ती की अपडेट देते रहते हैं। वेबसाइट का नाम है gornews24, जिस पर ऐसे ही जिस पर आप क्लिक करेंगे आपको हमारे होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, एंड यहां पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिया जाएगा, जरूर से फॉलो कर दीजिए। पंचायती राज विभाग भर्ती 2024 नोटिफिकेशन जारी इसका कर दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ देर यहां पर आपको वेट कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती संस्था मध्य प्रदेश आधारतला जबलपुर मध्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत राज्य स्तरीय शीर्ष प्रशिक्षण संस्था है जिसमें पंचायत राज ग्रामीण विकास संबंधित विभिन्न योजनाओं पर पंचायत राज के निर्वाचन प्रतिनिधित्व एवं विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर अध्ययन अध्यापक किया जाता है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्था मध्य प्रदेश आधारतला जबलपुर में कोर संकाय सदस्य को संविदा पर नियुक्त किए जाने के अनुसार निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी कर रही है। तो चलिए देखते हैं भर्ती का पद, अगर हम देखें तो दोस्तों ग्रामीण विकास कोर फैक्ट्री मेंबर अन्य पद इसमें देखने को मिल जाएंगे। आवेदन की प्रारंभ तारीख की अगर हम बात करें तो इसके आवेदन 8/11/2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 22/11/2024 रखी गई है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो ₹200 है जो है वो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए यहां पर ₹200 जो है वो पोर्टल शुल्क रखा गया। कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल 5 पद है दोस्तों इसमें, तो कौन कौन से है चलिए हम जानते हैं। ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट कोर फैक्ट्री मेंबर, दूसरा है ग्रामीण अभियांत्रिकी कोर फैक्ट्री मेंबर, सामाजिक शिक्षा सोशल एजुकेशन कोर फैक्ट्री मेंबर, सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर फैक्ट्री मेंबर, महिला एवं बाल विकास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कोर फैक्ट्री मेंबर। अधिकतम आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें 55 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार इसमें आवेदन नहीं कर सकते, जिनकी आयु 55 से कम है एंड 20 से ज्यादा है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र भूगोल अर्थशास्त्र एमटेक संसाधन प्रबंधन विषय के साथ साथ स्नातकोत्तर में 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री होना चाहिए, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में 3 वर्ष का अध्ययन का अनुभव, कंप्यूटर एमएस ऑफिस कार्य की दक्षता आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर आप बात करें तो जो डॉक्यूमेंट नॉर्मली आपके पास सभी के पास जो है वो उपलब्ध है, नोट उम्मीदवार जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो संविदा पर चयनित व्यक्तियों को पद के सामान्य दर्शाए संविदा राशि पर नियुक्त किए जाएंगे, इसके अतिरिक्त कोई राशि नहीं दी जाएगी, मतलब जो संविदा कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है वो भी आपको दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो चयन की कार्यवाही राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्यता व अनुभव के आधार पर संक्षिप्त सूची शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। अब दोस्तों इसमें आवेदन आप किस प्रकार से करते हैं उसकी जानकारी देने, और अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में कोई समस्या आ रही तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय कठिनाइयां होने पर एमपी ऑनलाइन के हेल्प डेस्क नंबर पर आप कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन www.mponline.gov.in पर या https.iform.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहां पर आपको क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और भी कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी वह मिल जाएगी। पंचायती राज विभाग में दोस्तों भर्ती निकली है, इसमें आपको जॉब करने का सुनहरा मौका जो है वो दिया जा रहा है। टोटल 5 पदों पर भर्ती, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसमें जरूर से आवेदन करिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।